हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम रोज़ एक एक चैप्टर 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास का पढ़ेंगे। तो आज हमने 6 और 7 क्लास का एक एक चैप्टर पढ़ लिया है और अब बचा है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है, फिर उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो मेन बात आती है ये कि फसल का उत्पादन प्रारंभ कहाँ से हुआ। आदिकाल में जैसे आपको पता है कि पहले जो आदि मानव थे वो कंदमूल फल वगैरह खा के रह लेते थे। तो फिर अचानक उन्हें फसल कहाँ से आई, ये सब पद्धतियाँ कैसे विकसित हुई, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर गेहूं, चावल एवं अन्य फसलों का उत्पादन कर सके। इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुई। अच्छा, देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं के फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, जैसे खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे चावल के हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? फसल। अच्छा, इस मामले में हमारा भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ पे ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा देखिए, यहाँ उत्तर भारत का तापमान कुछ और रहेगा, साउथ में कुछ अलग ही उत्पादन होता है, इधर उत्तर पूर्वी राज्य में अलग ही होता है ना। देखिए, जैसे इधर चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, मध्य प्रांत जो है जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, यहाँ दाल चावल गेहूँ इधर ज़्यादा होते हैं। इधर देखिए, इधर केले वगैरह की खेती जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स कि हमारे देश में सभी प्रकार के परिस्थितियाँ हैं, आर्द्रता ताप हर जगह विभिन्न विभिन्न है, तो सब चीज़ें उगाई जा सकती हैं। जैसे देखिए, इस विभिन्नता के बावजूद मोटे तौर पर फसल 2 प्रकार में बांटी जा सकती है। एक है खरीफ की फसल और एक है रबी की फसल। खरीफ की फसल में क्या होता है, देखिए, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो खरीफ की फसल हुई। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जो होती है वो जून से सितंबर तक होती है। इसमें क्या बोया जाता है? अच्छा देखिए, एग्जाम में जरूर पूछ लेता है कि खरीफ की फसलों को बताइए, 2-3 ऑप्शन दे देगा, और एक नहीं देगा कि जैसे धान मक्का, ये दे देगा जैसे धान सोयाबीन मूंगफली, मक्का सोयाबीन मूंगफली, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। तो आप ये देख लीजिएगा, धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास इत्यादि खरीफ की फसल है। और रबी की फसल क्या है? ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो इसमें क्या उगाया जाता है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कि आधारिक फसल पद्धतियां किसे कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि पूछ रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि शीत ऋतु में इतना पानी तो नहीं आएगा ना, और पानी की आवश्यकता बहुत होती है धान की बुवाई के लिए, तो इसलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली तथा आप सजावटी पौधों को उगाने के लिए करते हैं, है ना। तो यह क्रियाकलाप और कार्य जो है वो कृषि पद्धति कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक, हमने मिट्टी तैयार कर ली। ठीक, फिर बुवाई की बीजों की, फिर हम उसमें खाद और उर्वरक देंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार जानते हैं, जो धान या फिर गेहूं के बीच बीच में घास फूस जो होती हैं वो बैरियर का काम करती हैं, उनसे हम उनकी सुरक्षा करेंगे, फिर कटाई करेंगे, इसके पश्चात भंडारण करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है,
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटते क्यों हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो भी उर्वरक है वो ऊपर आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, पोला बनाना। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है पोला बनाना, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाना, जिससे जड़ भूमि की गहराई अत्यंत तक जा सके। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, ठीक है। जब मिट्टी की पोली कर दी गई तो जो मिट्टी के छिद्र होते हैं उससे श्वसन लेने में जड़ों को सहायता मिलती है, तो जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है ना। यह जीव किसान के मित्र कहते हैं, मैंने क्लास 7 में भी बताया था कि जो अर्थवर्म होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? अच्छा, हम पिछली कक्षा में तो पढ़ ही चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो कि अपघटित हुए होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं, तो पोषक पौधे द्वारा जो अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि पोला करने से जो मिट्टी के अंदर का पोषक पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं, ठीक। हल लकड़ी एवं लोहे की बनी होती है, ये सब आपको पता ही है, ये सब फालतू की चीजें हैं। चलिए आप देख लीजिएगा, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है, ठीक। तो अब देखिए कृषि औजार क्या क्या होते हैं। अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, मतलब मिट्टी को पलटने के वाला कल्टीवेटर, ठीक है। इस कार्य में प्रमुख औजार हैं। तो चलिए पहला औजार देखते हैं, ये है हल। हल जो है प्राचीन काल से ही यूज किया जा रहा है, जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए। हल होता है जो वो लकड़ी का बना होता है, ठीक। तो इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फौल कहते हैं। ये देखिए, ये किसान भाई हमारे हल से जो है वो खेती कर रहे हैं, तो ये देखिए तिकोनी बनी हुई है, ये 3 कोना, ये देखिए एक, और ये तिकोना बना हुआ है, तो इससे जो है वो खेती की जाती है। तो देखिए फौल कहते हैं इसे, और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शिफ्ट कहते हैं। मुख्य भाग जो होता है वो लकड़ी का बना होता है जिसे शिफ्ट कहते हैं, ठीक। तो इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, ठीक। और एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो लोहे के हल यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट औजार है कुदाली। कुदाली ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए तथा मिट्टी को पोला करने के लिए, जैसे कुदाली से कूदना है ना, मिट्टी को कूदते हैं। तो इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ का प्रयोग होता है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा जो है पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये देखिए कुदाली किस प्रकार होती है, ठीक। तो अब आए बारी कल्टीवेटर की, जो आजकल ज़्यादातर एसी का यूज़ किया जाता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। देखिए ये ट्रैक्टर चला जाता है और कल्टीवेट हो जाती है, मिट्टी अपने आप पोलाई हो जाती है मशीन के थ्रू। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, चलिए ये अच्छी बात है। अब आती है बारी बुवाई की। बुवाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है, ठीक। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किस्म के साफ स्वस्थ बीज
होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बीजों का चयन कैसे होता है? तो अच्छा देखिए ये लड़की क्या कह रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। तो जो बीज पानी में तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं, वे हल्के हैं या भारी हैं, तो ये देखना है। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो खोखले होते हैं, तो ये पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो इन्हें हम हटा देते हैं। और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने में मदद मिलती है इससे। ठीक, अच्छा, इसके लिए परंपरागत बीजों को बुवाई के लिए परंपरागत औजार क्या प्रयोग किया जाता था? देखिए, बीजों की बुवाई के इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता था, और बीजों को कीप के अंदर डालने पर वह 2 या 3 नुकेले सिरे वाले पाइपों से गुजरती थी, और ये सीधे मिट्टी को भेद कर बीज स्थापित कर देते थे। ये देखिए प्राचीन काल की पद्धति दिखाई दे रही है कि ये देखिए इसमें बीज डाला जाता था जो कि मिट्टी के नीचे चली जाती थी। इससे बहुत टाइम लगता था। तो इसके बाद आए हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आई है, ठीक। सीड ड्रिल देखिए कितने बने हुए हैं, तो एक साथ हम कई जगह बीज बो सकते हैं। तो आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी पर और गहराई बनी होती है, यह सुनिश्चित करना कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक गए हैं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुवाई करने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। देखिए इससे 2 फायदे हुए। एक तो ज़्यादा मात्रा में हम बीज बो सकें, प्लस प्रॉपर दूरी में बीज बुवाई हो सकी। ठीक, तो इससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पौधों को सूर्य के प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल या हटा देना चाहिए। ठीक, तो अब बात आती है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, खाद उर्वरक के बारे में हम पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, और यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर जिस मिट्टी में भी किसी भी चीज़ की पोषक पदार्थ की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी फसल की जो उत्पादक क्षमता है वो घटेगी। तो इसलिए खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। तो किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन में कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अटैक होता है, तो वो अपघटित खाद्य पदार्थ जो है वो उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत फायदेमंद होते हैं फसलों के उत्पादन के लिए। देखिए कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग तथा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर में अपने, तो हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्रियाकलाप दिखाया गया है, ईजी है, देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद्य से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता की में कमी आई है। यह जल प्रदूषण के भी स्रोत हैं। ठीक है, जैसे 1967 में हरित क्रांति हुई थी, तो ये उर्वरक को बहुत ज़्यादा जोड़ गया था। लेकिन इससे हुआ तो गेहूँ चावल का उत्पादन बहुत, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति है जो वो दिन ब दिन घट रही है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। खाद्य के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका क्या है? फसल चक्रण। अच्छा, हम फसल चक्रण का भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है। देखिए
जब हम धान बोते हैं तो धान की खेती से जो होती है वो मीथेन बहुत मात्रा में रिलीज होती है ना। इसके बाद मीथेन बहुत मात्रा में रिलीज हो गई और नाइट्रोजन भी रिलीज हो गया। इसके बाद हम बोते हैं गेहूँ शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जब हम गेहूँ बोए तो वही मीथेन और ये जो कार्बन वगैरह हुआ वो गेहूँ की फसल ने यूज़ कर लिया। देन इसके बाद फिर से तो हम फसल चक्रण के माध्यम से जो भी उर्वरता में कमी होती है वो पूर्ण की जाती है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूरण हो जाता था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। और एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जो फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उर्वरक और खाद्य में क्या क्या अंतर है। साफ जाहिर हो गया है कि उर्वरक और खाद्य में क्या क्या अंतर है। उर्वरक जो होता है वो अकार्बनिक लवण है और ये प्राकृतिक, क्योंकि ये तो अपशिष्ट पदार्थों के जैसे काउ डंग, गोबर, पौधों के अवशेष इत्यादि के विघटन से बनाया जाता है। उर्वरक क्या होता है कि ये फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है इसका, और ये खाद्य खेतों में बनाई जा सकती हैं। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद्य से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, जो कि बहुत उपयोगी है ना। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, और खाद्य में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब ये देखते हैं कि खाद्य के लाभ क्या क्या हैं। ठीक, तो जल धारण क्षमता जो होती है वृद्धि होती है मिट्टी की इसे यूज़ करने से। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिससे क्या होता है जड़ों को श्वसन में सहायता मिलती है। और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे केचुआ वगैरह है इसकी वृद्धि होती है ना। और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, वो मिट्टी जो होती है वो पौधों को बांधे रखती है। ठीक, अब बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई कैसे होती है चलिए देखते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है ना। और पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिससे खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। सही बात है, ह्यूमंस में भी तो 70 से 80% जल ही होता है। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, जल में घुले जो पोषक तत्व हैं वो हर जगह वृक्षों या पौधे उनके हर जगह पार्ट में पहुंचता है। तो फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करती है, और स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत को नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमने गमलों में भी कुछ प्ला हम गमलों में कुछ प्लांट लगाए रहते हैं, अगर हम उन्हें 2 दिन जल ना दें तो देखिए वो कैसे सिकुड़ जाते हैं और अपना भोजन भी नहीं बना पाते हैं, तो वो सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो प्लांट मर जाते हैं। तो इसलिए जल बहुत आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जो वर्षा ऋतु में होगा उनके तो पानी देने की वजह से बारिश से ही उनकी जल की पूर्ति हो जाती है। शीत ऋतु में भी कम पानी देता होता है, लेकिन गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी देता है, क्योंकि गर्मियों में जल वाष्पन जो होता है वो उसकी दर ज़्यादा होती है। ठीक, तो इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ पिछली। अच्छा, ये जो है ये कह रहा है, चलो ऐसे ही। अच्छा, हमारे भारत देश में सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत। देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुएं, झीलों और नहरों के उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में पहुंचाने के तरीके हैं विभिन्न। जैसे मोट घिरनी, ये देखिए मोट घिरनी, कुएं से पानी निकाल के घिरनी द्वारा डाला जा रहा है। ये देखिए चैन पंप, ये देखिए ये घूमता हुआ बाल्टी ऊपर आएगा, बाल्टी ऊपर जाके ये खेतों में डायरेक्ट जा रहा है। ये देखिए ढेकली, ढेकली क्या हो रहा है कि ये जो डंडा लगाया गया है इससे बाल्टी, तो ये जब इसको ऊपर करते हैं तो ये नीचे जाती है बाल्टी, इससे पानी निकलता है और खेतों में जाता है। और ये देखिए ये बैल है, ये इसे घुमाता रहेगा तो पानी जो ये गोल गोल घूमेगा और पानी हर जगह पहुंचे जाएगा। लेकिन इन सब प्रोसेस से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जल का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है? तो इसलिए नई टेक्निक आई है ड्रिप इरिगेशन। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में भी।
जल को ऊपर के खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आइए हम आधुनिक विधियों को देखते हैं। आधुनिक विधि में देखिए छिड़काव तंत्र है पहली विधि। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है, और जहाँ पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक, तो नलों के ऊपरी सिरों को घुमाने वाली नोजल लगे होते हैं, या पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप देखिए पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में आ जाता है, तो फिर ये देखिए इसके एसेसरी पाइप में जाते हुए ये सीधे एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंचते हैं। तो इससे क्या है, पानी का वेस्टेज भी कम होता है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो अब आते हैं ड्रिप सिस्टम के। ड्रिप सिस्टम क्या है कि बूंद बूंद करके जल का टपकना। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन कैसे हो रहा है, देखिए ये वही उसी तरह है सेम, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बूंद बूंद करके गिरता रहेगा और फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। और इससे पौधों की विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब आती है बात खरपतवार से सुरक्षा की। खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं, अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो ये खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो निराई कहलाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो जो हमने फसल उगाई है उसका जल भी खींच लेंगे, पोषक भी खींच लेंगे, उसकी प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इन्हें निकालना बहुत आवश्यक है तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। तो इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके का प्रयोग करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार को उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं, है ना, और जिससे वे सूखकर मर जाते हैं। रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे 2,4-D, ये खरपतवार नाशी है, इसका उपयोग किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये छिड़काव कर रहा है खरपतवार नाशी का, 2,4-D का। ठीक है, और पहले ही बताया जा चुका है कि खरपतवार की वृद्धि के लिए पुष्पन बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। अब बात आती है कटाई की। तो कटाई एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। 3 से 4 महीने इसका समय लगता है फसलों को पकने में। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग हार्वेस्ट करना मतलब निकालना काटी जाती है। ठीक है, और इसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये देखिए ये कंबाइन है ना, तो इसके थ्रू फसल कटाई की जाती है जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो इसे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनोइंग, है ना। ये देखिए ये विनोइंग फटकने वाली मशीन है ये। आइए अब देखते हैं भंडारण कैसे होता है। तो उत्पादन तो हो गया, अब भंडार आई बात रखना कहाँ है, कैसे इसे सेफ रखना है। तो भंडारण, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। तो ताजी फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, अर्थात उसे अच्छे से सुखा लिया जाता है और फिर इसके बाद भंडारित किया जाता है। और बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलो जो होती है बड़ी मात्रा में बीजों का भंडारण कहलाता है, और भंडार गृहों में रखा जाता है इन्हें, जिससे उन्हें पीड़कों से जैसे जैसे चूहे, कीट से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये देखिए भंडारण किया गया है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण के लिए उपयोग की जाती हैं, जिससे कीट कीट जो है वो ना लगे हमारे फसल में। ठीक है, तो जंतुओं से भोजन, तो जंतुओं से कौन कौन से भोजन मिलते हैं ये सब आपको पता ही है ना। और क्या कहते हैं, इसी प्रकार घरों में अनेक फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिससे विटामिन डी की मात्रा अधिक
जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि मछली से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। आइए सारांश देखते हैं। पहला नंबर है कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? फसल, है ना। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। यह कार्य करने के लिए हल एवं पाटल का उपयोग किया जाता है। ठीक। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उचित दूरी पर बोना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके पूरा किया जाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई क्या हुआ? निराई अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाना खरपतवार कहलाता है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। धानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसे पशुपालन कहते हैं। चलिए मैं ये अपना चैप्टर यहीं समाप्त करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैप्टर में जो भी दिक्कत आएगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट करिए। और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है सीटेट का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।